हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ पालक पनीर की हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप इजीली लेस इंग्रेडिएंट में घर में बना सकते हैं। टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट जैसा आएगा। हम सभी जानते हैं पनीर प्रोटीन में रिच होता है और पालक फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। सो इस तरह की रेसिपीज़ अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हों। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को वेरी वेरी थैंक यू। और जिन्हें मेरी रेसिपीज़ पसंद नहीं आती, प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए, जिससे कि मैं अपनी रेसिपीज़ में इम्प्रूव कर पाऊँ एंड बेहतर रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल है ये, क्यूमिन सीड। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ग्रीन चिली, जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है। ये 7 से 8 लहसुन की कलियाँ थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, को सॉटे कर लेंगे। ये एक बिग साइज़ का अनियन था, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप करना है। इसको भी भून लेंगे तरीके से। स्पाइसेस में ये टर्मरिक पाउडर एंड ये रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मुझे एकदम ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो मैं ऐड करूँगी। ये 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज थे, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला था कश्मीरी, और इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद में देखिए टमेटोज हैं वो बॉयल हो चुके हैं। इसका कच्चापन हटाना था। इसके बाद में ये रफली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड ये पालक है, जिसको मैंने वॉश करके चॉप कर लिया था। ये रफली चॉप्ड है, अच्छे से आपको नहीं चॉप करना है, क्योंकि अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ख़राब हो जाएगी ग्रेवी, बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड किया मैंने, और इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद में देखिए ये कुक हो चुका है। ठीक है, पालक टमेटोज अच्छे से कुक हो गए हैं इस तरीके से। और इसको अभी कोल्ड होने के लिए छोड़ देंगे, और कोल्ड होने के बाद में इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया, और इसको आप कोल्ड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई में देसी घी डाला है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा तेज पत्ता, ये 1 होल रेड चिली है। आप चाहें तो यहाँ पर सिनेमन स्टिक, लौंग, इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। और ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसका ये पेस्ट है। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था, उसकी वजह से इसका कलर ऐसा हो गया। अगर आप स्किप करेंगे तो एकदम ग्रीन कलर आएगा। आपके ऊपर है, आपको
मुझे बिल्कुल ग्रीन कलर पसंद नहीं, इसीलिए मैंने ऐड की थी। देखिए अच्छे से बॉयल होने लगी है। यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा कर्ड है मैंने डाला है इसको, अच्छे से चला लेंगे। इसीलिए मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, क्योंकि पहले डाल देते तो फटने के चांसेस रहते कर्ड के, और ग्रेवी अच्छी नहीं होती। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी मैं यहाँ पर ये मलाई है, ये 1 टेबल स्पून मलाई मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी एक कसूरी मेथी डाली है मैंने, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। एंड अभी मैंने ये सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एंड ये थोड़ा सा मैं कढ़ाई पनीर मसाला डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिए। एंड ये पनीर जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, ये 350 ग्राम्स पनीर है, इसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में चॉप कर लिया था। इसको मिक्स कर देंगे। सारे स्पाइसेस मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी, तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए फाइव मिनट के लिए मैं कुक करूँगी केवल, क्योंकि ऑलरेडी सब ग्रेवी हमारी हो चुकी है, और मैं गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। एंड लीजिए आपकी गर्मा गर्म हेल्दी पालक पनीर की रेसिपी बन के तैयार है। आप इसको मलाई से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है मैंने इसको तरीके से, और ये थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स है। इसको आप चपाती, पराठा, नान किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।